हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान की मकबूलियत से घबरा गया, तहाइफ छुपाने का इल्जाम लगा दिया। स्पीकर, कौमी असेंबली ने इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस में कहा गया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तोशाखाना से लिए तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए, रकम की तफसीलात भी गोशवारों में जमा नहीं कराई। इमरान खान को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए, रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मौसू। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की 9 खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे, पोलिंग 25 सितंबर को होगी। तहरीक इंसाफ के MNAs ने तमाम नशस्तों से इस्तीफा दिया है, ताहम इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर किए। फवाद चौधरी कहते हैं कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है, इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी करना कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सरबरा बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। तारिक बशीर चीमा भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बरकरार। चौधरी शुजात की जानिब से एक खत भी भेजा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, खत को भी समात के साथ मुंसलिक करके सुनेंगे। चौधरी सालिक कहते हैं काफ लीग के सदर को बेहुदा इल्जाम लगाकर गैर कानूनी तौर पर हटाने की कोशिश की गई, सेंट्रल वर्किंग कमेटी मौजूद ही नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुतहरिक। ओवरसीज पाकिस्तानी असलम मलिक ने रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवा दिया। रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान को ओहदे से हटाने की सजा। रेफरेंस में मौकफ इख्तियार किया गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और नैब से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अच्छी तर्ज हुक्मरानी एहतसाब बुनियादी हकूक में शामिल हैं, नैब कानून की कई तरामीम अभी भी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अगर फैसला साजों पर पकड़ धकड़ हुई तो कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी करने नहीं आएगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, क्या पार्लियामेंट मखसूस अफराद के फायदे के लिए कानून साजी कर सकती है? तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस ने मौके पर इख्तियार किया कि नैब कानून बनाकर ज्यादती हुई है। इमरान खान का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नर से मुतालिक अहम फैसला, तमाम वुज़रा को 14 घंटे काम करने की हिदायत, किसी सूरत करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान पंजाब हुकूमत की हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट लेंगे। पंजाब में तहरीक इंसाफ के तरक्याती मंसूबों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। आर्मी चीफ का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के हुकाम से राबता। आर्मी चीफ की दोस्त ममालिक के हुकाम से IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ को भरपूर ताबुन की यकीन दहानी करवाई गई। डॉलर आज भी रिवर्स गियर में, इंटरबैंक में डॉलर 2.15 रुपए सस्ता होकर 224 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता, ओपन मार्केट में डॉलर 223 रुपए पर फरोख। मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन 5 अगस्त 2019 के गासिबाना हथकंडों के खिलाफ मकबूजा वादी में हड़ताल। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम इस्तेहसाल पर भारत के खिलाफ रैलियां। सेनेट में कश्मीरियों की हिमायत में तहरीक मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत का कश्मीरियों की अखलाकी सियासी सिफारती हमायत जारी रखने के आज़म का इरादा। ISPR ने बयान में कहा मुसल्ला 5 कश्मीरियों के हक इरादियत तौर में उनके साथ है, कश्मीरी शोधा की कुर्बानियां उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये वक्त सियासत का नहीं खिदमत का है, सियासत बाद में होगी, पहले आवाम की खिदमत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डीजी खान के इलाके कोटचट्ठा में सैलाब मुतासरीन से खिताब, नुकसान पर ब्रीफिंग। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में 133% ज्यादा बारिशें हुई, बारिशों से मुल्क भर में 549 अफराजा भाग, 628 जख्मी हुए। कराची में कल से 9 अगस्त तक और 11 से 15 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। सिंध के साथ बलूचिस्तान में भी बरसात मुतवक्के।
लाहौर और कराची में दवाओं का मसनूई बहरान, मुतादिद अदवियात मार्केट से गायब कर दी गई। सरदर्द और जिस्म में दर्द की दवा पैनाडोल नायाब, ब्लैक में 60 से 70 रुपए का पत्ता बिकने लगा। ज़हनी सुकून, दमा, जोड़ों का दर्द और दीगर अमराज की अदवियात भी मार्केट से गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान, ब्रांडेड चाय की कीमत में 198 रुपए इजाफा, 1 लीटर ब्रांडेड दूध 20 रुपए महंगा हो गया। शहद के जार की कीमत 115 रुपए बढ़ा दी गई। मसाला जार, टूथपेस्ट, शैम्पू और दीगर अशिया भी महंगी हो गई। अशिया की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। मोहर्रम उल हराम में अमन अमान बरकरार रखने का मिशन, सिंध भर में आज रात 12 बजे से 10 अगस्त तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। सिंध में सैलाबी रैली से मगरमच्छ निकल आए। पनुआ किल कच्चे में मगरमच्छ आबादी में दाखिल हो गया। 8 फुट लंबा मगरमच्छ भैंसों के बाड़े में जा घुसा, इलाका मकीनों ने मार डाला। नैन्सी पेलोसी के दौरे पर चीन चिराग़पा, ताइवान के इर्द गिर्द फौजी मशकें, बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे, अमेरिका की मजम्मत। तर्जमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने चीन में अमेरिकी स्पीकर के दौरे पर गैर जरूरी रद्द अमल दिया। चीन अपनाए ताइवान फौजी मशकें रोके, कशीदगी कम करे। कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्री स्टाइल रेसलिंग के 65 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तानी रेसलर इनायतुल्लाह ने माल्टा के एडम विला को शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।